बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। शुरू करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़, और टाइटल से तो आपको पता लग जाएगा ये है बहुत स्पेशल व्लॉग। क्या है इस व्लॉग में? यह है मेरा बर्थडे व्लॉग। मेरी बर्थडे थी 11 नवंबर, फ्राइडे का दिन था, और बस छोटी सी केक कटिंग की सेरेमनी और खाना खाने गए थे बाहर, तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आ गया था उसी में ही। तो बस फिर हम जो है ना आ गए थे मॉल ऑफ एमिरेट्स, मेरा शूट किया था पहले हमने, हम एक जगह गए थे और उसके बाद मॉल ऑफ एमिरेट्स से हमने अलबेक खाना था, और फिर पहले फहद मेरा केक लेने गए थे, और केक लेने में साथ क्यों नहीं गए थे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और उसके बाद हमने लिया अलबेक, बहुत रश होता है अलबेक पर, लेकिन मॉल ऑफ एमिरेट्स में अलबेक पर इतना रश नहीं होता, आपको जो है ना आसानी से मिल जाता है। उसके बाद हमने केक कटिंग की और एक दूसरे को केक खिलाया, अपना मील इन्जॉय किया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट लास्ट में करना है, और मुझे बर्थडे विश भी कर दीजिएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह ईसा ने बड़ा एंजॉय किया, और फिर हमारी भी आउटिंग होगी साथ, एंजॉयमेंट होगी साथ, केक कटिंग भी हो गई, बर्थडे भी हो गई, बस उसके बाद हम घर जा रहे हैं। और थैंक यू सो मच फहद, उन्होंने काफ़ी स्पेशल कर दिया था मेरे लिए इस डे को, और उसके बाद हम बस घर जा रहे थे। और स्पेशल थैंक्स इसलिए कि उन्होंने जो है ना मेरी तस्वीरें बनवाई, जितना मैंने उन्हें तंग किया ना फोटोशूट के लिए, मैं हमेशा उन्हें बहुत तंग करती हूँ, बट फाइनली कुछ पिक्चर्स जो है ना वो अच्छी क्लिक हो गई थी, तो थैंक यू सो मच। उसके अलावा आपने जो है ना मेरी वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना है, और मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल सी खिचड़ी की रेसिपी। जब इतना हैवी खा लिया एक दो दिन हम लोगों ने, तो फिर एक दिन हमने थोड़ा सा लाइट खाया, और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसकी वीडियो शूट कर लूँ। नॉर्मली मेरे ससुराल में ऐसी खिचड़ी बनती है, मैंने पहली दफ़ा ये खिचड़ी वहीं खाई थी, और पहले कभी बनाई भी नहीं थी और खाई भी नहीं थी, तो लेकिन अच्छी है, मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। सिंपल सी रेसिपी है, बस एक गिलास चावल लिए थे, आधा गिलास जो है वो चने की दाल ले ली थी, मैंने उसको भिगो दिया था, और ऑयल में जो है ना बस ये थोड़ा सा प्याज इसमें मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है, और साथ इसमें दाल डाल देनी है। दाल में थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना पहले उसको थोड़ा सा गला लेने, क्योंकि चने की दाल होती है ना थोड़ा टाइम लेती है पकने में, इसलिए इसमें नमक मैं ऐड करूँगी, और उसके बाद इस दाल को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी, इसके अंदर भी पानी डाल दूँगी कि इतना कि दाल जो है ना थोड़ी हाफ बॉयल हो जाए। फिर उसमें जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि दाल बॉईल हो जाए, और जब ये थोड़ी सी बॉईल हो जाएगी तो मैं उसमें, चावलों में हम डबल पानी डालते हैं खिचड़ी के लिए, हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालते हैं ताकि चावल अच्छा से गल जाए, तो मैंने जितना पानी डालना था मुझे रिक्वायर्ड था मैंने उतना उसमें डाल दिया। जब उसमें बॉयल आ गया तो मैंने उसमें चावल डाल दिए, और उसके बाद मैंने उसको दम पे रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए, और मेरी जो है ना चने की दाल की मज़ेदार सी खिचड़ी जो है ना बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी खिचड़ी भी आपको अच्छी लगेगी, कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है। और इसके साथ हम खाते हैं अनारदाने की चटनी, और अनारदाने की चटनी जो मैंने इस दफ़ा बनाई थी ना वो मैंने बनाई थी फ्रेश अनार के साथ, और वाकई बहुत मज़े की बनी थी। अनारदाने के साथ भी अच्छी बन जाती है, लेकिन वैसे भी अच्छी बनती है, आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी है।
तो हमेशा की तरह जाते जाते आखिरी बात खुश रहें, दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है। छोटी छोटी खुशियां अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। गम तो आते रहते हैं, कभी बगैर बताए भी आ जाते हैं, तो लेकिन खुशियां जो है ना वो खुद से ढूंढनी पड़ती हैं और तलाश करनी पड़ती हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगी कि मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद किया जाएगा और फिर नेक्स्ट मिलेंगे एक व्लॉग में अच्छे से कंटेंट के साथ। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरे व्लॉग से। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।